हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। ये 15 मेंबर की एक बॉडी है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है जी। एंड ऐसा नहीं कि सभी जनरल जो यूएन के मेंबर्स हैं दे हैव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसा नहीं है। मोर देन 60 मेंबर्स आर स्टिल देयर जो यूनाइटेड नेशंस के तो मेंबर स्टेट्स हैं, लेकिन कभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं बने। तो अ स्टेट विच इज़ अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बट नॉट द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट अ वोट इन इट्स डिस्कशंस, जब काउंसिल को लगता है कि उनके उस कंट्री के इंटरेस्ट जो हैं वो अफेक्टेड हैं, तो उस टाइम पर उनको इनवाइट किया जा सकता है। सो बोथ मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स ऑफ द यूएन, अगर कोई यूएन का भी मेंबर नहीं है तो उनको इनवाइट कर सकता है जो सिक्योरिटी काउंसिल है, बट अगेन विदाउट अ वोट, जब उस कंट्री से रिलेटेड या उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो रही है सिक्योरिटी काउंसिल में। सो नॉन परमानेंट मेंबर्स क्या हैं? दे ईच ईयर जनरल असेंबली क्या करती है, 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है। सो 10 में से एज यू नो कि टोटल देर आर 10 मेंबर्स इन टोटल, तो हर दो साल बाद यानी एक कंट्री का जो टेन्योर है वो पूरा होता रहेगा। सो ईच इस साल जो इलेक्शन है बेसिकली उसमें इंडिया इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग, तो उसके बाद हम उसके बारे में विल सी इन द फ्यूचर। सो 10 नॉन परमानेंट सीट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं रीजनल बेसिस के ऊपर, कि 5 सीट्स तो दी हुई हैं अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स को, उसके बाद 1 सीट है फॉर ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, 2 सीट्स हैं फॉर लैटिन अमेरिकन एंड करेबियन स्टेट्स, एंड 2 हैं फॉर वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। ठीक है जी। तो ये पूरी कॉम्पोजिशन है एंड इंडिया ऑब्वियसली इज़ ट्राइंग टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दिस रीजन। तो रोल क्या है नॉन परमानेंट मेंबर्स का? रोल में बेसिकली क्या है कि जो राइट ऑफ वीटो है परमानेंट मेंबर्स का, वो यूएनएससी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट यानी यूएनएससी तक ही रिस्ट्रिक्टेड है एंड इट डज़ नॉट अप्लाई इन द प्रोसीजरल नेचर। तो जैसे किस तरीके की फंक्शनिंग होगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके ऊपर जो उनकी वीटो है वो नहीं चलती। अदरवाइज़ जो ऐसे पॉलिसी मैटर्स हैं रिलेटेड टू द कंट्रीज या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, वहाँ पर दे कैन यूज़ द पावर ऑफ वीटो। तो इस सिचुएशन में जब उनकी खुद की इंटरनल फंक्शनिंग की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनिंग की बात है, तो जो 9 मेंबर की सपोर्ट होना ज़रूरी है अगर कोई भी ऐसे डिसीजन लेना है रिगार्डिंग द फंक्शनिंग। तो ध्यान में रखिएगा, फंक्शनिंग के लिए नहीं है, रिगार्डलेस के अगर कोई मेंबर परमानेंट है या नॉन परमानेंट है, तो उन केस में जो वीटू है इट इज़ नॉट वैलिड। अब इंडिया का अगर हम पॉइंट देखें, सो इंडिया ने प्रेजेंटली यूनानिमस सपोर्ट हासिल कर ली है सभी कंट्रीज़ की इन द 55 मेंबर एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसमें से इंडिया वुड बी फाइटिंग एट द यूनाइटेड नेशंस फॉर इट्स बिड फॉर अ नॉन परमानेंट सीट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2 ईयर टर्म, 2021 एंड 2022 की जो टर्म होगी इंडिया की, अगर इंडिया इलेक्ट होता है, एंड देर आर वेरी ग्रेट चांसेस, ग्रेट पॉसिबिलिटी कि इंडिया वुड बी इलेक्टेड, क्योंकि जो भी मेंबर कंट्रीज़ थी उन सभी की सपोर्ट हासिल हो चुकी है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है जी। एंड नो चैलेंजेस देयर टू इंडियाज कैंडिडेसी, दैट इज व्हाई एंड इंडिया विल नीड द वोट ऑफ 2/3 ऑफ द 193 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंबर्स। तो अब जैसे आपको पता चल रहा होगा कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी इलेक्शन के लिए जो जनरल असेंबली है वो ही मेजर रोल प्ले कर रही है। 2/3 अगर जनरल असेंबली के मेंबर्स अगर अप्रूव नहीं करेंगे या वोट नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया वोंट बी एबल टू बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है जी। एंड इससे पहले भी इंडिया कुछ 7 टाइम्स, जैसे ये नंबर ऑफ इयर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। तो अब आने वाले टाइम में 2021 एंड 22 दैट वुड बी द टर्म व्हेन इंडिया गेट्स इलेक्टेड या सिलेक्टेड फॉर इट्स नॉन परमानेंट मेंबरशिप, एंड ये इनफैक्ट कोइंसाइड करेगा हमारा जो 75th एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस की उसके साथ भी। तो इसकी इस तरीके से भी थोड़ी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक किससे रिलेटेड है, इट इज़ सिस्टर सिटीज़। तो रिसेंटली इंडिया जापान के कॉन्टेक्स्ट में कुछ सिस्टर सिटीज़ अनाउंस हुई हैं, तो हम ये पूरा थोड़ा इसकी हिस्ट्री वगैरह ट्रेस कर लेते हैं। तो
ऑलमोस्ट ओवर 100 सिस्टर सिटी पार्टनरशिप्स चल रही हैं इंडिया की दूसरे कंट्रीज़ के साथ, एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू फ्यू कंट्रीज़। हम आगे देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ मेजर जो पार्टनरशिप्स चल रही हैं। तो प्रेजेंटली जो सिस्टर सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि लार्जली इट इज़ एन ऑर्नामेंटल स्टेटस, एंड ये हमें फॉस्टर करके देता है क्लोजर कल्चरल बॉन्ड्स विद दो सिटीज़। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से है, एंड जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनका कहना है कि जो अब तक अरेंजमेंट बनाई गई थी पूरी फॉर कल्चरल एक्सचेंज ओनली एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स ओनली, उसको अब हम इकोनॉमिक गोल्स के लिए भी लेवरेज कर सकते हैं। सो जो पूरा आइडिया है ऑफ लेवरेजिंग सिस्टर सिटीज़ एंड सिस्टर स्टेट पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं कुछ, हम आगे देखते हैं। सो दीज अरेंजमेंट्स दे विल नॉट ओनली ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट्स बट मोर न्यू आइडियाज एज वेल। अर्बनाइजेशन का आइडिया, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी कंट्री में जो भी या अपनी सिटी में जो ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है, तो ये सब चीज़ों को भी वी कैन मे बी रेप्लीकेट दोज आइडियाज जो सक्सेसफुल आइडियाज हैं उनको, एंड ऑल्सो इट विल फाइंड मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसिस ऑफ रिस्पेक्टिव सिटीज एंड स्टेट्स। तो अगेन इसको आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ऑल दो कुछ काफ़ी लिमिटेड जिसका स्कोप था कल्चरल तक ही रिलेटेड था, उसको अब किस तरीके से इकोनॉमिक गोल्स की तरफ ले जाया जा रहा है। एंड जो न्यू सिस्टर सिटी अरेंजमेंट्स दे हैव बीन लॉन्च विद चाइना, जापान एंड नेपाल। जैसे अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करें विद चाइना, तो चेन्नई चोंगडिंग एंड उसके बाद हैदराबाद किंगडाओ, औरंगाबाद दुनहांग, अहमदाबाद गुआंगझोउ, एंड कुछ स्टेट लेवल की भी टाइज हुए हैं जैसे कर्नाटका एंड सिचुआन प्रोविंस है चाइना में, एंड गुजरात एंड गोंगडोंग प्रोविंस है चाइना का। तो इनमें स्टेट लेवल की जो टाइज हैं वो भी चल रही हैं। इससे पहले 2013 में भी 3 मेट्रोज जो थी उनके सिस्टर सिटीज़ का जो पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया विद चाइना, तो जैसे दिल्ली बीजिंग था, बेंगलुरु, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इट शुड बी बेंगलुरु ऑफ एंड चेंगडो, एंड उसके बाद कोलकाता एंड कुनमिंग। तो ये कुछ सिस्टर सिटीज़ के जो प्रोजेक्ट थे जो चल रहे थे। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि इन सब सिटीज़ को प्लीज़ ट्राई टू लोकेट देम ऑन द चाइनीज़ मैप, ताकि आपको थोड़ी उनकी ज्योग्राफिकल नो हाउ का पता चल जाए। इसके बाद जापान के साथ भी हमारी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, एंड एक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप चल रही है विद द टाउन ऑफ नीमराना, तो इन विच इज़ लोकेटेड इन इन राजस्थान। सो ये भी सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट ही है। एंड मोर ओवर पंजाब भी कंटेम्पलेट कर रहा है कि उन जो कुछ बिजनेस टाइज इंप्रूव हो, एंड इनफैक्ट दे कैन ऑल्सो रेप्लीकेट द सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट विद द चाइनीज़ प्रोविंसेस। इसके साथ ही जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो लैंडलॉक्ड इलाका है पूरा, वो भी प्लान कर रहे हैं कि उनकी सिटीज़ की जो पेयरिंग है वो हो जाए म्यांमार की सिटीज़ के साथ। तो ऑल इन ऑल जो इससे ड्रॉ करने वाली बात क्या है, या आप जो एग्जाम्पल इनका कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये एक मेजर स्पिरिट निकल कर आ रही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरीके से जो स्टेट्स की सिटीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं एट द इंटरनेशनल लेवल, एंड उनकी वजह से भी जो हमारे रिलेशंस हैं दे आर गेटिंग अफेक्टेड। तो वी कैन हैव अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑल दीज स्टेट लेवल पार्टनरशिप्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव। सो ब्रॉडली अगर मैं इस इनिशिएटिव के बारे में आपको बताऊं, तो इसमें कुछ 58 कंट्रीज हैं एंड 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्राई कर रही हैं टू रिड्यूस द इलीगल या इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ओपिएट्स फ्रॉम अफगानिस्तान। ये फॉल करता है अंडर द एम्बिट ऑफ UNODC, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम। तो प्रेजेंटली ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, या इस तरफ हमारा जो स्टेप उठाना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है ओपिएट्स की, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल फ्लोज, इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज हो रहे हैं, एंड करप्शन को फ्यूल मिल रहा है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। मोर ओवर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उनके केस में, उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है क्योंकि फंडिंग आ रही है कहीं से, एंड कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड इंसर्जेंसी की जो फंडिंग है, तो वो सब चीज़ें इनसे रिलेट की जा रही हैं। जैसे तालिबान फॉर एग्जांपल, उसके पास काफ़ी मेजर एरिया है, मेजर चंक ऑफ एरिया जहां पर ओपीएम की कल्टिवेशन हो रही है। सो अगर आपको थोड़ा गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पता होगा कि किस तरीके से इंडिया की अगर हम वेस्टर्न साइड देखें तो अफगानिस्तान, ईरान, तो ये कुछ एरियाज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी, जहां पर काफ़ी ड्रग की कल्टिवेशन हो रही है, ओपीएम की कल्टिवेशन हो रही है, विच इज़ बींग प्रोड्यूस टू स्मगल इन इंडिया। एंड अगर हम साउथ ईस्टर्न साइड पर देखें, जो कंट्रीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त हैं इन ओपीए ड्रग्स से, तो उनको गोल्डन ट्राइंगल बोला जाता है। एंड जो हमारा ऊपर वेस्टर्न एरिया है, क्योंकि उनके मैप में अगर उनके सॉरी फ्लैग में अगर आप देखें तो क्रेसेंट है, तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द गोल्डन क्रेसेंट। सो इसलिए जो पूरा एम है पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव का, यही है कि इन सब चीज़ों को रिड्यूस करे जो इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है या
इंक्लूडिंग कि जो ओपियम पॉपी कल्टिवेशन हो रही है, उसके बाद प्रोडक्शन एंड ग्लोबल कंजम्पशन हो रही है हेरोइन एंड अदर ओपिएट्स की, इनको हमने रिड्यूस करना है। तो जो पूरा ये इनिशिएटिव है, ये क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है सभी कंट्रीज़ को कि वो पॉलिसी मैटर्स के ऊपर काम कर पाएँ एंड अकॉर्डिंगली उनको फिर इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। सो दे आर बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग एंड कम्बैटिंग द ट्रैफिक एंड कंजम्पशन ऑफ ओपिएट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्लाइमेट चेंज में भी जैसे हम कॉमन एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, उसी के तरीके, उसी बेसिस के ऊपर ही यहाँ पर भी वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। तो पेरिस इनिशिएटिव में दो चीज़ें हैं, पहला तो जो पार्टनरशिप है जिसमें 58 कंट्रीज एंड 23 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं इंक्लूडिंग द UNODC, ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये डिफाइन करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे जो प्रायोरिटीज़ हैं जो कि वेना डिक्लेरेशन में आउटलाइंड हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि वेना डिक्लेरेशन भी इससे रिलेटेड है। इसके बाद जो पूरा ग्लोबल प्रोग्राम है वो UNODC बनाता है सभी पार्टनरशिप जो यहाँ पर पार्टनरशिप है इसके बिहाफ पर, एंड अकॉर्डिंगली देन इट एक्सटेंड्स द कोऑर्डिनेशन सपोर्ट एज वेल। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो फॉल करता है, तो वो मीट ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑफ एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव, एंड ये बात करेंगे ऑन द इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज जो डिराइव करते हैं फ्रॉम द ट्रैफिकिंग ऑफ ओपिएट्स दैट इज ओरिजिनेटिंग इन अफगानिस्तान। तो दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। एंड इस मीट की इंपॉर्टेंस क्या होगी, एक तो जो पूरे ग्रुप है दे वुड बी शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग देयर वर्किंग विद द वर्किंग ग्रुप एंड द वर्किंग ग्रुप मीटिंग सॉरी। एंड इसके बाद ये इंडियन एजेंसीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर आएगा कि जो करंट थ्रेट्स हैं उनके ऊपर अपडेट्स मिलते रहेंगे हमें, एंड मोर ओवर जो इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज हैं उनके नो हाउस वी वुड बी एबल टू नो, एंड मोर ओवर जो भी उनके थ्रेट्स एंड एक्टिविटीज़ हैं वी विल गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग तो अब जैसे काफ़ी क्रूशल है प्रेजेंट एरा में, सो दैट इज़ वाई दिस मीट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद द मीट विल ऑल्सो हाईलाइट द टेक्निकल असिस्टेंस जो चाहिए होती हैं या नई जो कैपेबिलिटीज़ हैं, and moreover the enhancing and understanding of the disruption of illicit financial flows. तो ये सभी के related जो हमें technical know-how मिलेगा वो भी important है। Also it will improve the effectiveness of India's framework as per the FATF standards, ताकि जो illegal financial flows हैं उनको रोका जा सके जो drug trafficking से linked हैं। So that is why it is important. Next, science and technology के point of view से we'll discuss a report जो निकाली है Indian government ने and United Nation World Food Program ने मिलकर। तो इस report का नाम है Food and Nutrition Security Analysis of India 2019. इस report का कहना है कि by the year 2022, 31.4% यानी 1/3 ऑफ इंडियन चिल्ड्रन दे'ल एग्जिबिट स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब क्या है कि जो हाइट है बच्चों की वो कम है या सिग्निफिकेंटली बिलो है जो एक्चुअल होनी चाहिए थी उस एज ग्रुप में। तो एज के कंपैरिजन में जो हाइट जितनी होनी चाहिए थी फॉर अ हेल्दी किड वो उतनी अचीव नहीं कर पा रहे, तो दैट इज़ नोन एज स्टंटेड ग्रोथ। तो इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं, बेसिकली फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट अ बेसलाइन एनालिसिस इन असेसिंग इंडियाज प्रोग्रेस टू इन मीटिंग द सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो एज यू नो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG 2 है, इट इज़ रिलेटेड टू टैकलिंग हंगर। तो अब इसका मतलब ये है कि इंडिया इज़ नॉट एबल टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया एज वेल, या प्रॉपरली उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे हम बाय आवर करंट टारगेट्स। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जिसका प्रेजेंटली अब नाम पोषण अभियान है, तो ये सब चीज़ें ऑल दो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि जो माल न्यूट्रिशन उसको एड्रेस किया जा सके, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम है इट इज़ स्टिल परसिस्टिंग एंड इट इज़ अ मेजर थिंग। मेजर थिंग किस तरीके से है, क्योंकि पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाते हैं। पॉवर्टी ट्रैप का मतलब क्या है कि एक माल न्यूट्रिशन मदर जो है इट विल गिव बर्थ टू अ वीक चाइल्ड एंड स्टंटेड चाइल्ड, तो इससे क्या होगा कि जो माल न्यूट्रिशन है वो आगे जनरेशंस को पास की जा रही है। अब जो स्टंटेड बच्चा होगा या जो मॉल न्यूट्रिशन बच्चा होगा उनकी कॉग्निटिव जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है, एंड अकॉर्डिंगली ही और शी वोंट बी एबल टू एक्सेल फर्दर इन लाइफ, या क्योंकि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि पूरा पॉवर्टी का एक साइकिल बन जाता है। सो इसीलिए इसको पॉवर्टी ट्रैप नाम दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्राई टू यूज़ इट इन सम आंसर्स रिलेटेड टू दिस। ओके जी, सो देर इज़ ऑल्सो डेस्परेट इफेक्ट ऑफ स्टंटिंग अक्रॉस इंडियन स्टेट्स, जैसे बिहार UP, यहाँ पर पाया गया है कि 1 in every 2 चिल्ड्रन दे आर स्टंटेड, वेयर एज गोवा एंड केरला की अगर हम बात करें तो 1 in 5 चिल्ड्रन दे आर स्टंटेड। तो ऑल्दो जो
ऐसा कुछ स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक नहीं है, कहीं पर जो हालात इंडिया में ज़्यादा ख़राब हैं, कहीं पर जो थिंग्स दे आर पर्टिकुलरली बेटर एज़ कम्पेयर टू द स्टेट्स जैसे यूपी बिहार, लेकिन स्टिल ये एक मेजर इशू है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। फिर अगर हम थोड़ा कम्युनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एससीज़ एंड एसटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 42.5% एंड 43.6% रिस्पेक्टिवली दीज कम्युनिटीज़ दे आर ऑल्सो सफरिंग। तो यहाँ पर भी काफ़ी डायर नंबर्स हमें दिख रहे हैं कि कितने स्टंटेड केसेस मिल रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो बिग डिसएडवांटेज टू दीज कम्युनिटीज़। क्यों? क्योंकि पहले ही एक तो पॉवर्टी एंड जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं उनसे सफ़र हो रहे हैं ये लोग, एंड अकॉर्डिंगली फिर मॉल न्यूट्रिशन अगर दोबारा से आ रही है तो they cannot get out of that poverty trap. Only 16% of total funds allocated to the Poshan Abhiyan. तो ये भी एक major concern है कि द हिंदू का ये कहना है कि जो पोषण अभियान में जितने फंड्स दिए गए थे सरकार द्वारा उसमें से सिर्फ 16% ही यूटिलाइज हुए हैं। तो अगर हम जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी है वो नहीं स्पेंड कर पा रहे तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वी वोंट बी एबल टू अचीव देम। सो जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, अगर मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊं तो इसकी एम है कि वो स्टंटिंग को रिड्यूस करेगा बाय 2% अ ईयर। तो ये टारगेट है उसका कि हर साल 2-2% तक वो स्टंटिंग रिड्यूस कर देगा, एंड वो जो स्टंटिंग के लेवल है इट विल ब्रिंग इट डाउन टू द प्रोपोर्शन ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन पॉपुलेशन टू 25% बाय 2022। तो इनका तो जो एम था कि वो 25% तक ही रह जाएगी स्टंटेड चिल्ड्रन की पॉपुलेशन, लेकिन अगेन अब जैसे हमने रिपोर्ट के स्टार्ट में देखा कि 31.4% का तो ये रिपोर्ट हमें अंदाजा दे रही है कि एटलीस्ट देयर वुड बी 31.4% विच इज़ अ लॉट मोर देन द एक्सपेक्टेड टारगेट। इसके बाद ऑल्दो इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशियंट इन द फूड ग्रीन प्रोडक्शन, तो फूड ग्रीन की तो अब हमने जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद स्पेसिफिकली फूड ग्रीन्स की तो इंडिया में कमी नहीं है, तो प्रोडक्शन में लार्ज इंक्रीज हो चुकी है स्पेसिफिकली राइस वीट एंड जो सीरियल्स हैं, लेकिन जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है ऑफ दीज ग्रीन्स वो नहीं बढ़ी। तो ऑल्दो भंडार हमारे भर गए लेकिन लोगों के घर तक वो चीज़ें जो हैं वो नहीं पहुँची। सो ड्यू टू द इनइक्वालिटी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड वेस्टेज एंड लॉसेज, तो इन सब रीजन्स की वजह से ऑल्दो हमारे जो PDS स्कीम हम पढ़ते हैं तो PDS में भी लीकेजेस हैं या जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो इन सब वजहों की इन सब रीजन्स की करके जो इंटेंडेड टारगेट था हमारा या जो हमारी जो आई शुड से जो रिज़ल्ट हम चाहते थे अचीव करना वो नहीं कर पाए। तो इसमें ये भी एक रीज़न है कि फूड प्रोडक्शन बढ़ गई है लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ी। सो द रिपोर्ट सेड कि इंडिया शुड रिड्यूस स्टंटिंग बाय एटलीस्ट 2% एनुअली ताकि जो उनका 25% का टारगेट है वो अचीव कर पाएँ वो अंडर द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। एंड गोवा एंड केरला ने तो ऑलरेडी जो अपना टारगेट है वो अचीव कर लिया था, ये हमें 2015-16 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसने बताया है। दमन दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी एंड त्रिपुरा, इन्होंने भी अपना टारगेट अचीव कर लिया है, वाइल पंजाब इज़ क्लोज टू अचीविंग इट। लेकिन इसी के साथ जो दूसरी स्टेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल द प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज इज़ हाइएस्ट इन बिहार, 48% है, एंड उसके बाद UP में भी 46% है। तो ये मेजर इशू ऑफ कंसर्न है, क्यों? क्योंकि इनमें एक तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मोरोवर जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं या जो कनेक्टिविटी है वो उस लेवल तक नहीं है, सो दैट इज़ वाई दीज एरियाज दे नीड टू बी वर्कड अपॉन। इसके बाद झारखंड में 45% एंड मेघालय हैज़ 44% स्टंटेड चिल्ड्रन विच इज़ अ लॉट। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड इस रिपोर्ट को आई होप यू वुड बी यूजिंग इट इन सम ऑफ योर आंसर्स। नेक्स्ट वी हैव WHO सेल्फ केयर गाइडलाइंस। तो सेल्फ केयर गाइडलाइंस क्या हैं? कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ टू प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज, मेंटेन हेल्थ एंड कोप विद इलनेस एंड डिसेबिलिटी विदाउट द सपोर्ट ऑफ अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो WHO ने पाया कि 2035 तक देर वुड बी अ सिवियर शॉर्टफॉल ऑफ अराउंड 13 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स। तो अब प्रेजेंटली जैसे हम इंडिया में भी डॉक्टर्स की या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी शॉर्टफॉल विटनेस कर रहे हैं, तो 2035 तक तो WHO का मानना है कि कुछ 13 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो कम हो गए, एंड इनसे क्या है कि 400 मिलियन पीपल दे वुड बी अफेक्टेड। तो WHO हैज़ कम अप विद दीज सेल्फ केयर गाइडलाइंस जिसमें एटलीस्ट आपको बेसिक जो हेल्थ केयर को कैसे मेंटेन रखना है या व्हाट टू डू इन केस ऑफ सम कॉमन इलनेसेस, तो उनको ट्रीट करने के लिए ये एक गाइडलाइंस आई हैं ताकि लोग ही थोड़ा सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि इतना बड़ा जो शॉर्टफॉल है मे बी वी वोंट बी एबल टू कवर इट टिल देन।
ठीक है जी. सो सेल्फ केयर इंटरवेंशंस क्या करेंगे, दे विल रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट पुश टुवर्ड्स न्यू एंड ग्रेटर सेल्फ एफिशिएंसी, ऑटोनॉमी एंड एंगेजमेंट इन हेल्थ फॉर सेल्फ केयर केयरर्स एंड केयर गिवर्स. तो अगर कोई केयर गिवर है उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि ऑल्दो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन अगेन ही इज समहाउ प्रोवाइडिंग द केयर टू द हेल्थ केयर टू समवन. एंड इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस स्टाफ, बल्कि अगर हम देखें कि कुछ लोग नेगेटिवली अफेक्टेड हैं बाय जेंडर, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड पावर डायनेमिक्स. जैसे वेमेन की बात करें, किसी किन्हीं एरियाज में जो फाफलंग एरियाज हैं वहाँ पर एक्सेस नहीं है उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज का, या फिर कुछ सोसाइटी इस तरीके की है, या जो लोग फॉर एग्जांपल उनके पास पैसा ही नहीं है, या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस कुछ इस तरीके की हो सकती हैं. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी जो ये सेल्फ केयर गाइडलाइंस हैं ये बनाई गई हैं. एंड इंक्लूडिंगली दीज ऑल्सो इंक्लूड फॉर दोज पीपल हु आर फोर्सिबली डिस्प्लेस. जैसे जो रिफ्यूजीज हैं दे वोंट बी एबल टू एक्सेस द हेल्थ केयर ऑफ दोज पर्टिकुलर कंट्रीज, तो उनके लिए भी अगर कुछ इस तरीके की गाइडलाइंस निकाल दी गई हैं कि एटलीस्ट वो अपने आप को सस्टेन कर पाएँ एंड कोई जैसे एपिडेमिक है तो उससे बचा पाएँ. Moreover, to have access to sexual and reproductive healthcare services, as many people are unable to make decisions around sexuality and reproduction. तो इनके context में भी जो guidelines हैं, they are effective in to make good decisions about सेक्शुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है जी. तो WHO की रिपोर्ट में WHO का कहना है कि दे फोरसी अ फ्यूचर जहाँ पर 1 in 5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन सेटिंग्स जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वो विटनेस कर रहे होंगे. तो अगेन कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड दे हैव कम अप विद दीज गाइडलाइंस. सो द गाइडलाइंस दे फोकस ऑन सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, या फिर जो जिनमें इंटरवेंशंस इंक्लूडेड हैं फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. तो HPV तो ये मेजर इशू है इंडिया में, तो काफ़ी प्रेवलेंट है ये. एंड जो कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं या सेल्फ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, तो इन सब चीज़ों का के बारे में जो गाइडलाइंस हैं वो फोकस कर रही हैं. इसके साथ ही दे लुक एट द साइंटिफिक एविडेंस फॉर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सर्टन इंटरवेंशंस दैट कैन बी डन आउटसाइड द कन्वेंशनल सेक्टर. तो कुछ साइंटिफिक एविडेंस के बेस के ऊपर ही जो कन्वेंशनल सेक्टर से बाहर जाते हुए जो गाइडलाइंस हैं दे वुड बी इफेक्टिव एंड दे डू नॉट रिप्लेस हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज. तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर रही, बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं. इनफैक्ट के जो सिचुएशन इन केस ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एग्रेवेट हो सकती है, एटलीस्ट उसको हम वहीं पर रोक पाएँ. एंड द गाइडलाइंस डेड बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड अदर सेल्फ केयर इंटरवेंशंस इंक्लूडिंग फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज भी. तो अब धीरे धीरे जो है इनका जो दायरा है उसको भी बढ़ाया जाएगा.